हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन लॉलीपॉप। घर में ही रेस्टोरेंट जैसा चिकन लॉलीपॉप। इसके लिए हमने चिकन की जो बोटियाँ होती हैं इनको ऊपर से काट कर बोटी को नीचे की तरफ कर दिया, तो ये लॉलीपॉप जैसी बन गई। लेग पीस पर 3 कट लगा दिए और बोनलेस बोटियाँ ले ली। इस तरह से हमने आधा किलो चिकन लिया, लेकिन उसमें जो है दोनों लेग पीस ले लिए। एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। एक चम्मच ही दही डाला बड़ा। 1/4 चम्मच नमक डाला। 1/4 चम्मच पिसी लाल मिर्च डाली। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि सोया सॉस में भी होगा, भी केचप में भी होगा। ये विनेगर है, मैंने 1 छोटा चम्मच से कम विनेगर लिया। हम चिकन को मैरिनेट करके थोड़ी देर रखेंगे 2 घंटे के लिए। इससे क्या होगा, चिकन बहुत जूसी बनेगा। 1/4 चम्मच पिसी काली मिर्च डाली है। काली मिर्च का पाउडर बना लिया था वो है। इन सबको अच्छी तरह से मिलाया। देखिए, ये ऐसे लगाया कि अंदर तक इसका मसाला लगे, और कट हमने हड्डी तक लगाया था ताकि चिकन बहुत जूसी बने। इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। इसमें 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डाला। और 1 चम्मच केचप डाला है। आप चाहें तो केचप ना डालना चाहें तो हॉट चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हैं। 1 अंडा डाला इसमें। अंडे से बाइंडिंग हो जाएगी और क्रिस्पीनेस भी आएगी। अंडा डालकर हम अच्छी तरह से मिला के इसको हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। 2 घंटे में जो है हमारा ये चिकन पूरा अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। और इसमें 2 चुटकी मैंने खाने का लाल रंग डाला था, जिससे इसका रंग बड़ा अच्छा सा हो गया। 2 घंटे बाद हमने फ्रिज से इसको निकाला है। और अब हमने इसमें डिब्बे में ले लिया था, अब हमने क्या करा, इसमें से सारी बोटियाँ निकाल ली और उसमें बैटर रहन दिया। अब बैटर में ही हम जो है 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, सॉरी 1 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच ही मैदा डालेंगे। और आप चाहें तो नमक मिर्च इसमें डाल सकते हैं। ये मैदा है, 3 चम्मच ही मैदा डालिए, 3 ही चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। आपको इसमें नमक कम लगे तो आप नमक डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। मैंने इसमें 1/4 चम्मच से भी कम काली मिर्च ज़रूर डाल दी थी कि मैदा और कॉर्नफ्लोर से फीकापन ना आ जाए। थोड़ा सा पानी डालकर इसका पकौड़ियों जैसा घोल बना लिया, जैसे पकौड़ी का घोल बनाते हैं, उसमें अभी इन बोटियों को लपेटा। जो हमारे लॉलीपॉप की बोटियाँ थी, लेग पीस थे और जो बोनलेस चिकन था वो भी, सबको मिला लिया। इधर हमने 3 बड़े चम्मच तेल कढ़ाई में गरम करा, मीडियम हीट पर कढ़ाई रहन दी, और उसमें हमने ये पीस डाल दिए। अब हम पीसों को छुएंगे नहीं, इनको 10 मिनट लो हीट पर पकने देंगे ताकि ये एक तरफ से खूब कुरकुरे करारे हो जाए। तो हम इनको 10 मिनट बाद पलटा है ताकि ये जो है गल भी जाए चिकन और क्रिस्पी भी हो जाए। ये हमारा चिकन फ्राई तैयार हो गया लॉलीपॉप वाला। अब हमने इसमें बोनलेस बोटियाँ डाली, उनको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। उनमें भी यही करेंगे कि हम उनको 5-6 मिनट छुएंगे नहीं। वो छोटी छोटी बोटी हैं इसलिए हमने उन्हें 5-6 मिनट दिया। और लेग पीस और
लॉलीपॉप जो थे वो बड़े बड़े थे, इसलिए हमने उन्हें 10 मिनट दिया था। और इनको 5 मिनट बाद पलट के सेका और कुरकुरे हमारे सिक गए। फिर हमने इनको बाहर निकाला। ये हमारा चिकन तैयार है।